रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त परेशान थे और मुंजी के एक्सपोर्ट के बारे में बार बार कमेंट करके, कॉल्स करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई एक्सपोर्ट कब, अब दोबारा जहाज कब लगेंगे, लोडिंग कब होगी। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया थोड़ा इशू चल रहा था, जो मुंजी के रेट थोड़े रुके हुए थे, बेहतरी हुई है इन पिछले दिनों में, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं हुई जितनी बेहतरी होनी चाहिए, जितने रेट ऊपर जाने चाहिए। तो काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भाई कब तक रेट बढ़ सकता है, और दूसरा एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बार वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो अगर मुंजी के एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो ये खुशखबरी की बात भी है कि दो जहाज जो हैं वो लग चुके हैं, मतलब उसमें लोडिंग शुरू हो गई है। मौजूदा तौर पर अभी दो जहाज जो हैं वो लोडिंग के लिए लग चुके हैं, और इसी के साथ ही रेट में इसी वजह से तेज़ी देखने को मिली, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी होगी। इसके अलावा अगर बात करें मज़ीद जहाज़ों की, तो मज़ीद जो है 5 जहाज वेटिंग लिस्ट में, अगर ये जब तक हो जाएंगे क्लियर, उसके बाद वो जो है वो भी लोडिंग होगी उन पर भी। तो एक्सपोर्टिंग का काम अब जैसे एक दिन गुजरेगा उसके बाद जो है बढ़ता जाएगा। काफ़ी भाई ये पूछ रहे थे कि कब लोडिंग शुरू होनी, कब अब नया जहाज लगेगा। तो जो जहाज जो है वो लोडिंग के लिए कल से लग चुके हैं, उसमें लोडिंग हो रही है। कल मैंने ये भी आपको बताया था कि ये आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, तो आज मैंने सोचा कि इस पर मुकम्मल वीडियो बना के तो आपको गाइड कर दूँ। तो अब हर दिन के साथ मुंजी की डिमांड में, रेट में इजाफा होता जाएगा। जिन किसान भाइयों के पास पड़ी है, बस उन्होंने ये करना है कि मार्केट पर प्रेशर नहीं आने देना, थोड़ा माल निकालना, रेट इंशाल्लाह आपको आपकी मर्जी का मिलने वाला आने वाले दिनों। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे, हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।